नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सर्च इंजिन और आज हम सर्च करेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जो कि हमारे 14th प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। तो उनका नाम रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद आ गया है, रामनाथ कोविंद। सो रामनाथ कोविंद टॉप स्टोरीज, सॉरी हम रीडायरेक्ट हो गए न्यूज पर। रामनाथ कोविंद टॉप स्टोरी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हेयर हाउ फॉरेन प्रेस रिपोर्टेड हिज विक्ट्री। सो रामनाथ कोविंद विकिपीडिया, रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंटल इलेक्शन, रामनाथ कोविंद इज बीजेपी चॉइस फॉर प्रेसिडेंट। यहाँ पे गौर करने की बात, रामनाथ कोविंद बीजेपी के चॉइस है, बीजेपी के चॉइस है रामनाथ कोविंद। अभी हम अगर नीचे और स्क्रॉल करें तो बहुत सारी लिंक्स दी गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। यहाँ पे रामनाथ कोविंद एनडीए प्रेसिडेंट प्रोफाइल बिहार गवर्नर। सो अगर हम उनके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें उनकी विकिपीडिया पढ़नी होगी। सो हम उनकी विकिपीडिया में जाते हैं। रामनाथ कोविंद विकिपीडिया। रामनाथ कोविंद बॉर्न 1 अक्टूबर 1945 इज एन इंडियन पॉलिटिशियन। तो उनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था एंड द प्रेसिडेंटल इलेक्ट ऑफ इंडिया। ही सर्व एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। वो गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं फ्रॉम 2015 टू 2017 and was a member of parliament Rajya Sabha from 1994 to 2006. He was a leader of Bharatiya Janata Party BJP. Govind was nominated as a presidential candidate by the ruling NDA. So yahan pe hame NDA ka full form nahi pata, to hum log dekh lete ki NDA ka full form hota kya hai। तो NDA इट स्टैंड फॉर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। सो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या है? एट अ टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन इन 1998 इट वॉज लीडेड बाय अ भारतीय जनता पार्टी एंड 13 कॉन्स्टिट्यूंट पार्टीज। इट्स ऑनरी चेयरमैन इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्हें लीड किए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो कि अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। तो आप जैसे कि जान चुके हैं कि एनडीए का फुल फॉर्म, एनडीए इज स्टैंड फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नहीं तो एनडीए इज ऑल्सो स्टैंड फॉर नेशनल डिफेंस अकेडमी। सो ये बात अलग और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ये बात अलग होता है। सो हम अगर पीछे जाए और फिर से स्टार्ट करें तो नॉमिनेटेड एज प्रेसिडेंटल कैंडिडेट बाय द रूलिंग एनडीए कोलेशन एंड ओन द 2017 प्रेसिडेंटल इलेक्शन। वो 2017 के इलेक्शन जीत चुके हैं। ही विल रिज्यूम ऑफिस ऑन 25th जुलाई 2017। वो अपना 25 जुलाई 2017 को अपना ऑफिस शुरू करने वाले और अपने ऑफिस जाने वाले हैं। हम अगर उनके अर्ली लाइफ के बारे में देखें, अगर उनके अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन को पढ़े तो देखते क्या मिलता है वहाँ पे। गोविंद वॉज बॉर्न इन पारुख विलेज इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, कानपुर डिस्ट्रिक्ट। हिज फादर माइकुलाल वॉज अ लैंडलेस कोरी। हिज फादर, उनके फादर का नाम माइकुलाल। सो माइकुलाल उनके फादर का नाम है, लैंडलेस कोरी है वो। तो कोरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आई डोंट नो व्हाट इज कोरी, सो कैन आई चेक इट। कोरी अल्सो नोन एज कोली, कोरी अल्सो नोन एज कोली इज अल्सो इंडियन
Indian caste whose traditional occupation was that of weavers. Kori is classified as scheduled caste in the state of Uttar Pradesh. State of Uttar Pradesh and Uttarakhand, dono states mein scheduled caste ki taur par unhe dekha jata hai. The name Kori derived from the word Kora. Kora, what is Kora? I don't know what is Kora. Coarse cloth, matlab coarse cloth, fate hue cloth ya bina istri wale, I don't know. Mujhe lag raha hai ki bina istri wale cloth rahenge. Which refer to their traditional occupation. Some Koris claim descent from Kabir. तो आपने कबीर के बारे में तो सुना होगा, सो इनके बारे में और कुछ जानकारी ज़्यादा है नहीं. तो कोरी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश एट 2011 सेंसस ऑफ इंडिया वाज 22,93,937. सो ये कुछ इतना ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो ठीक ठाक है उनकी पॉपुलेशन. तो बहुत ही अच्छी बात. फिर हम देखते हैं, फिर से रिज्यूम करते हैं उनका विकिपीडिया. सो कहाँ पे थे? हिज फादर माइकुलाल वॉज अ लैंडलेस कोरी. वो कोरी कास्ट से बिलोंग करते, अ दलित वेविंग कम्युनिटी हु रैन अ स्मॉल शॉप टू सपोर्ट हिज फैमिली. वो एक छोटी सी दुकान चलाते थे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. ही वॉज अ यंगेस्ट ऑफ फाइव ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स. उनके पांच भाई और दो बहनों में से वो सबसे छोटे थे. तो ये बहुत ही अच्छी बात, एज वी नो कि छोटे भाई बहनों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू बिग ब्रदर्स. सो अच्छी बात है कि वो सबसे छोटे थे. ही वॉज बर्न इन मड हट विच इवेंचुअली कोलैप्स्ड. वो एक पुराने घर में पैदा हुए थे जो इवेंचुअली कोलैप्स हो गया. पता नहीं किस वजह से कोलैप्स हुआ, लेकिन कोलैप्स हो गया. He was only 5 when his mother died or burned when their thatched dwelling caught fire. तो यहाँ पे बहुत ही दुखद घटना, जब वो 5 साल के थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई. Sorry, because I love my mother very much. So 5 साल की उम्र में इनकी माँ की डेथ हो गई, तो वेरी सैड. सो ठीक है, तो हम चलते हैं. मिस्टर कोविंद लेटर डोनेट द लैंड टू द कम्युनिटी. उन्होंने अपना जो ज़मीन था, जो जिस जहाँ पर उनकी माँ की मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने अपना और लैंड कम्युनिटी को डोनेट कर दिया. तो After his elementary school education, he had to walk each day to Kanpur village. उनके elementary school के education के बाद उन्हें कानपुर विलेज में रोज जाना पड़ता था, चल के 6 किलोमीटर अवे, 6 किलोमीटर तक चल के जाना पड़ता था टू अटेंड जूनियर स्कूल. एज नो बडी इन द विलेज हैड बाइसिकल. वो उस समय किसी के भी पास साइकिल नहीं था. आर दे जोकिंग? किसी के भी पास साइकिल नहीं था. ही होल्ड अ बैचलर डिग्री इन कॉमर्स एंड LLB फ्रॉम DAV कॉलेज. DAV कॉलेज से उन्होंने अपना बैचलर कॉमर्स एंड LLB डिग्री कंप्लीट कर दिया. एफिलेटेड विथ कानपुर यूनिवर्सिटी. Affiliated with Kanpur University, DAV College, Kanpur University. तो हम लोग देख लेते हैं कि DAV कॉलेज दिखता कैसा है. सो यहाँ पे कुछ इमेजेस DAV कॉलेजेस के नहीं, DAV कॉलेज के कोई इमेजेस नहीं है यहाँ पे. तो लेकिन उसका फुल फॉर्म दिया गया है, दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय DAV कॉलेज इन कानपुर इंडिया. एस्टैब्लिश्ड इन 1919 बाय लाला दीवान चंद. इज द सेकेंड ओल्डेस्ट कॉलेज इन द सिटी एंड काउंट अमोंग इज एक्स स्टूडेंट रिवोल्यूशनरीज लाइक चंद्रशेखर आजाद. वो भी DAV कॉलेज से पढ़े हुए. एंड नॉर्मियस पॉलिटिकल फिगर्स
द कॉलेज इज सिचुएटेड इन सिविल लाइन अपोजिट द ग्रीन पार्क स्टेडियम. देयर आर अबाउट 18,000 स्टूडेंट विथ अप्रोक्सीमेटली 350 टीचिंग स्टाफ. Seriously, 18,000 students and approximately 350 teaching staffs. अगर हम इसे अगर divide करते हैं ना, तो हमें कुछ 18,000, ठीक है, देख लेते हैं कि 18,000 स्टूडेंट्स के लिए कितने टीचर है, 350 टीचर्स. तो 51 स्टूडेंट के लिए एक टीचर, नॉट बैड. 51 स्टूडेंट के लिए एक टीचर, बहुत ही अच्छी बात, ठीक है, नॉट बैड. ठीक है, फिर हम फिर से रिज्यूम करते उनकी विकिपीडिया. मिस्टर गोविंद लेटर डोनेटेड लैंड हो चुका है. After his elementary school education, he had walked each day to Kanpur village, 6 km. ये भी हो चुका है. उनके DAV college के बारे में हम लोग ने जान चुके हैं. अभी उनके करियर के बारे में देखते हैं. करियर एडवोकेट, BJP member, राज्यसभा, other appointments, governor. ठीक है, ये कुछ उनके गिने चुने हुए करियर से. तो हम पहले देखते हैं एडवोकेट. वो दिल्ली के हाई कोर्ट में एडवोकेट थे, BJP मेंबर इन 1991. ही जॉइन द BJP इन 1991. सो राज्यसभा ही वॉज इलेक्टेड एंड बिकेम राज्यसभा MP मध्य प्रदेश फॉर अ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन अप्रैल 1994. Other appointments, he was served on the board management of Dr. B.R. University, Lucknow, board management, governor. On August 8, 2015, the president of India appointed Kovind as the governor of Bihar. On 8 August 2015, the president of India appointed Kovind as the governor of Bihar. तो 8 अगस्त 2015 को गवर्नर ऑफ बिहार बन गए. और 2017 मेरे हिसाब से उनका बहुत ही लकी ईयर रहेगा कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सबसे बड़े पोस्ट में पहुंच चुके हैं. अभी हम उनके कुछ कार्ड्स के बारे में देख रहे हैं. तो ये रहे रामनाथ कोविंद, President elect of India, taking office, Prime Minister Narendra Modi. ठीक है, कुछ important information. Governor of Bihar, 16 August 2015 to 20 June 2017. मतलब 16-17 लगभग 2 साल के लिए वो गवर्नर ऑफ बिहार रह चुके हैं. Member of Parliament 1994 to 2006, लगभग 10 साल के लिए. और 1 October 1995, age 71. शायद से मेरे दादाजी की उम्र के है. और उनकी बीवी का नाम सविता कोविंद. उनके 2 चिल्ड्रन से. ठीक है, तो ये सब सर्च होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि रामनाथ कोविंद इज वेरी गुड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और यही सब कुछ आज हमने सर्च किया गूगल पर. तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. अगर आपको पसंद नहीं आया तो कमेंट में टाइप कीजिए कि आपको क्यों पसंद नहीं आया, मुझे और क्या करना चाहिए और किस किस टॉपिक पर सर्च करना चाहिए, आप बता दीजिए, मैं उस पर सर्च करूंगा. अगर आपको लाइक पसंद आया तो प्लीज़ बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल.
आपका गूगल सर्च इंजिन। थैंक यू।